अरे हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ, LIC असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 के बारे में। जो स्टूडेंट की तरफ से जो क्वेरी आई हमारे पास LICO के कट ऑफ के लिए और व्यू के लिए एंड एग्जाम पैटर्न के लिए, सिलेबस के लिए एंड सिलेक्शन प्रोसेस, स्टे प्रोसेस, सैलरी, मेंस एग्जाम पैटर्न, बहुत सारे जो है हमारे पास क्वेरी आई थी स्टूडेंट्स की तरफ से। हमारे वेबसाइट पे भी आई थी एंड हमारे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे आई थी। तो मैं इसमें डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा प्रीलिम्स के लिए, फिर मेंस के लिए मैं डिस्कस करूँगा। तो यानी कि इसका जो कट ऑफ कितना गया था, और इसमें ये भी पूछा गया था कमेंट में कि इसका आउट ऑफ मार्क्स कितना होता है और एंड इसका जो प्रीवियस कट ऑफ कितना गया था। तो सारा जो है मैं इस वीडियो में जितने भी आप लोगों के पास डाउट है मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलते हैं सबसे पहले अपने मेन पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रीलिम्स कट ऑफ 2021 का, यानी कि प्रीवियस कट ऑफ हम देखेंगे। तो इसमें जो जो है मैं बात करूँगा इसमें रीजनिंग एबिलिटी का जो कितना जाएगा SST के लिए। इसका जो SST के लिए जो जाएगा रीजनिंग एबिलिटी के लिए 16 एंड UR OBC EWS के लिए जो है 18 इसका जा सकता है। जो प्रीवियस कट ऑफ था उतना गया था, और फिर जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो है 16 गया था SST जो पिछली बार, और एंड UR OBC EWS का जो है 18 गया था। इंग्लिश लैंग्वेज का जो होता है, इंग्लिश का कोई कम्बाइंड मार्क्स नहीं होता, ये आपको जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट में रखा जाता है। तो इसमें जो है 9 गया था SST के लिए। जो बात करूँगा UR OBC EWS के लिए, यानी कि UR मतलब कि जनरल, तो इसका जो है 10 गया था। ये जो है प्रीवियस कट ऑफ आपने देख लिया। जो भी बंदे पास आउट हुए होंगे, जो भी बंदे प्रीवियस पेपर देखे होंगे, तो सम सिंपली जो है एक कट ऑफ उनको देखने को मिल जाएगी। इसमें हमको स्टेप बाय स्टेप पूछा गया था कि रीजनिंग एबिलिटी का कितना जा सकता है एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कितना जा सकता है। तो इसलिए जो है ऐसा मुझे स्टेप बाय स्टेप में वीडियोज क्रिएट करना पड़ा। अब बट हम बात करेंगे नेक्स्ट लेवल की। तो नेक्स्ट लेवल में जो प्रीलिम्स कट ऑफ यहाँ पे देखेंगे 2022-23 का, जो करंट में कितना जा सकता है, जो इस बार कैसी आई तो इसका कितना जा सकता है। इसमें बंदों का और भी कमेंट आए थे कि इसमें जो है आउट ऑफ मार्क्स कितने का होता है। तो आउट ऑफ मार्क्स जो है 70 का होता है, यानी कि 70 का। तो जो करंट का जो कट ऑफ जाएगा आप लोगों का, ये जाएगा जो है SC ST के लिए 18-20 जा सकता है, रीजनिंग एबिलिटी के लिए, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए तो इसका भी 18-20 जा सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज का 10-15 जा सकता है, ओनली SC और ST कैटेगरी के लिए। अगर मैं बात करूँ जो UR के लिए, OBC, EWS के लिए, तो इसका जो है 20-24 जाएगा, रीजनिंग एबिलिटी के लिए एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 19-22 इसका जाएगा, एंड इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 12-16, यानी कि 12-16 इसका जो है कट ऑफ जाएगा इस बार जो प्रीलिम्स के लिए। अब यहाँ यहाँ पे हम बात करेंगे इसको ओवरव्यू कौन कौन से होते हैं, ओवरव्यू के बारे में। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ओवरव्यू का जो कमेंट आए थे हमारे पास, ऑलमोस्ट 20 कमेंट आए थे कि जो है LICO का ओवरव्यू सर आप जरूर उसको बताइएगा। तो इसलिए जो है मैं इस पॉइंट को जो है इसमें मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे ओवरव्यू आप दे सकते हैं एग्जाम समरी के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन आप लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इस वीडियो में आपको सारा A to Z डिटेल्स देने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहे। ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब पोस्ट जो होता है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। जो वैकेंसी इस बार जो रिलीज होके आई है जनवरी 2023 में, और 300 वैकेंसी आई है। जो एग्जाम लेवल होगा नेशनल लेवल का एग्जाम होगा, और कैटेगरी जो होता है गवर्नमेंट जॉब होता है। कई सारे बंदों का ये डाउट होता है कि गवर्नमेंट ही प्राइवेट है, तो ये जो जॉब आपको प्रोवाइड होगा वो गवर्नमेंट जॉब होगा। LIC एक गवर्नमेंट संस्था है। मेड एप्लीकेशन उसको ऑनलाइन आप फिलअप कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, नहीं तो बहुत सारे ऐसी वेबसाइट आपको मिल जाएगी इसको फॉर्म को फिल करने के लिए। एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का जो लास्ट डेट है, ये भी पूछा गया था कि कब तक इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, तो ये भी कमेंट में पूछा गया था। तो 15-31 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बट आज जो है मैं जब वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ तो 17 है,
आपके पास भी जो है 2 हफ्ते का टाइम है, तो इस फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो डिमांड किया है, ग्रेजुएशन किया है, जो एज की लिमिट रखी गई है 21 से 30 ईयर्स रखी गई है। इसमें सैलरी जो प्रोवाइड किया जाएगा 92,870 रुपये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो एग्ज़ाम मोड आपका ऑनलाइन होगा, इसमें भी कई सारे जो है स्टूडेंट का डाउट होता है कि एग्ज़ाम जो है रिटर्न एग्ज़ाम होगा या ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, तो ये सारा जो है ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। और लैंग्वेज जो हिंदी इंग्लिश आपको अवेलेबल मिल जाएगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो होता है LIC India.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, LIC AO का एग्ज़ाम डेट। इसका एग्ज़ाम डेट भी जो है हमसे पूछा गया था, तो हम एग्ज़ाम डेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम डेट जो होता है 17 अप्रैल जो कंडक्ट कराया जाएगा एग्ज़ाम, जो होगा 17 से 20 फरवरी के बीच, 20 फरवरी 2023 तक इसका जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो सकते हैं। और जो मेंस के एग्ज़ाम होंगे आपका 18 मार्च 2023 के समथिंग इसके मेंस के एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग अगर नहीं लिखे होंगे तो इसको जो है अपने कॉपी में नोट डाउन करें, इसी के समथिंग आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे LIC की तरफ से। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पर, इसके सिलेबस आपको जो है देखने को जो मिलेगा यहाँ पर सिलेबस, हाँ इसमें आपको जो है आप देख ही रहे हैं यहाँ पे एग्जाम ने जो है LIC AO है कैटेगरी जो है सिलेबस, एग्जाम डेट मैंने आपको बता दिया। इसमें देखिए, इसमें ये भी आया था कि इसमें निगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है निगेटिव मार्किंग, इसमें निगेटिव मार्किंग होता है गाइस। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं इस पॉइंट मैंने मेंशन किया है, मैं सिंपली जो है इसका लिंक अपने जो है कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से जाके इसके डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाएगा, यानी कि आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन जो है कट कर दिया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस, इसमें ड्यूरेशन जो होता है 60 मिनट दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटा आपके पास दिया जाएगा। इसमें जो स्टेज होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का 3 स्टेज होते हैं, और प्रीलिम्स होते हैं, मेंस होते हैं, इंटरव्यू होता है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज इसके सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं। इसमें जो होता है इंग्लिश का जो मार्क्स होता है नहीं इंक्लूड किया जाता है, तो इंग्लिश को जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट में रखा जाता है इसमें, न तो प्रीलिम्स का मार्क्स ऐड किया जाता है। जो भी आपका फाइनल मेरिट बनता है, जो भी फाइनल रिजल्ट बनता है आपका, वो बनता है आपके जो है रिटेन एग्जामिनेशन से, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन से एंड इंटरव्यू के बेस से आपका जो है मेरिट इसमें तैयार किया जाता है। और उसके बाद प्रीलिम्स को आपको क्वालिफाइड करके मेंस तक पहुंचना होता है, इसलिए प्रीलिम्स आपको देना मैंडेटरी है। तो प्रीलिम्स का मार्क्स जो है ऐड नहीं किया जाता है। फेस 1 यहाँ पे जो देखने को मिल जाएगा LIC AO का प्रीलिम्स एग्ज़ाम, LIC AO का मेंस एग्ज़ाम, स्कोरिंग के लिए क्वालिफाइंग के लिए इसको हम फेस 1 में लिए हैं, और जो स्कोरिंग के लिए हम जो है फेस 2 को स्कोरिंग के लिए लिए हैं, और 3rd को जो होता है हम इसको स्कोरिंग के लिए हैं, यानी कि इसको हम इंटरव्यू भी बोल सकते हैं या तो इसको हम पर्सनालिटी टेस्ट भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, इसका क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बहुत सारे स्टूडेंटों का जो पूछ रहे थे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न सब जरूर बताइए क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है जो बंदे न्यू फॉर्म फिलअप किए हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जो आप लोग ध्यान से उसको देखिए, मैं ऐसे जो है कई सारे वीडियो में क्रिएट करूँगा, इसमें आपको A to Z इंफॉर्मेशन मिलेगा, आपको किसी भी जगह जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे LIC AO प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न 2023, इसमें द एग्जाम विल बी द कंडक्टेड ऑनलाइन एंड ड्यूरेशन विल बी 1 आवर 60 मिनट 20 मिनट फॉर ई सेक्शन, यानी कि आपके पास जो होता है 20 मिनट एक सेशन का दिया जाएगा, जैसे कि रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और इंग्लिश लैंग्वेज है, यानी कि आपको 20-20 जो है मिनट तीनों को ऐड करेंगे, रीजनिंग के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, इंग्लिश लैंग्वेज के, तो टोटल आपका जो है 60 मिनट हो जाएगा। तो इसको 20-20 सेशन आप ले लें, और बट यहाँ पे 1 आवर्स का टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और जो एग्ज़ाम कंडक्ट आपका करा जाएगा ऑनलाइन करा जाएगा, ऑफलाइन कोई प्रोसेस नहीं है, इसको ऑनलाइन करा जाएगा, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। और फिर यहाँ पे 3 स्टेज होते हैं, मैंने बताया था 3 स्टेज में, एक आपका प्रीलिम्स होगा, फिर आफ्टर दैट मेंस होता है, और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा।
तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग मैंने पहले ही बताया था, जिसमें जो नेगेटिव मार्किंग होता है 0.25 मार्क्स होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। LIC ए होगा प्रीलिम्स क्वालिफाइंग इन नेचर। अब यहाँ पे देखिए गाइस, अब यहाँ पे क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, कई सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ रीजनिंग जो क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग का जो है जल्द ही मैं प्रिपरेशन कराऊंगा अपने ही चैनल पे। तो रीजनिंग का जो पूछे जाएंगे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 मार्क्स के पूछे जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन एक मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब 35 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें जो होता है ना, इंग्लिश लैंग्वेज का मार्क्स जो है इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और टोटल जो इंक्लूडिंग होगा वो आपका जो है 70 मार्क्स का इंक्लूडिंग होगा, यानी कि 35-35-70 यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे होंगे वो 100 के होंगे, यानी कि आपको 100 क्वेश्चन करेंगे आप तो आपको जो है 70 मार्क्स इसमें से दिया जाएगा। 30 का जो है इंक्लूडिंग इसमें प्रीलिम्स में नहीं होता है, क्योंकि इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है इंग्लिश लैंग्वेज, इसको जो ऑप्शनल लैंग्वेज में रखा गया है, तो इसलिए जो है इसका नॉट इंक्लूडिंग मार्क्स। यहाँ पे देखिए नोट में मैंने जो है नोट डाउन भी किया है कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी द क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी द काउंटेड फॉर ए रैंकिंग, काउंट नहीं किया जाएगा। अब मेन एग्जाम पैटर्न के बारे में, अब कुछ बंदों का सर जैसे कि मैंने क्वालिफाइड कर लिया तो इसका मेंस एग्जाम के बारे में भी कुछ आप बता दीजिएगा, तो इसलिए जो है मेंस का भी मुझे मेंशन इसमें करना पड़ा। अगर मैं मेंस अगर बहुत सारे कमेंट आते हैं तो मेंस का भी मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दूंगा, तो वहाँ से भी इसको सारी डिटेल्स वगैरह दे सकते हैं, यहाँ तक कि सिलेबस के बारे में भी हम बता देंगे आपको। यहाँ पे कैंडिडेट अपेयरिंग इन द प्रीलिम्स एग्जाम विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द मेन एग्जाम, यानी जो बंदे क्वालिफाइड करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम को वही बंदे जो है मेंस तक पहुँच पाएंगे। LIC एग्जाम करा मेन एग्जाम कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट 300 मार्क्स और डिस्क्रिप्शन टेस्ट आपका 25 मार्क्स, यानी कि 300 का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और डिस्क्रिप्शन टेस्ट 25 का होता है। बोथ एग्जाम विल बी द कंडक्टेड ऑनलाइन मोड, आपका एग्जाम जो है ऑनलाइन में कंडक्ट करा जाएगा, आपका ऑफलाइन का कोई प्रोसेस नहीं रहेगा। फिर डिस्क्रिप्शन एग्जाम विल बी द थ्रू टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर, फिर आपको कंप्यूटर टाइप करके जब डिस्क्रिप्शन का जो एग्जाम हुए वो आपको कंप्यूटर टाइप करके इसका आंसर देना पड़ेगा। इसमें जो होता है देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग, आपका इसमें जो होता है नेगेटिव मार्किंग एग्जैक्टली होगा। फिर हम LIC एक बार मेन्स एग्जाम पैटर्न एंड यहाँ आप देख सकते हैं मेन एग्जाम पैटर्न के बारे में, रीजनिंग का जो होता है 30 होता है, जनरल नॉलेज ऑफ करंट अफेयर के जो होते हैं 30 क्वेश्चन आएंगे। इसमें एक बंदा जो है इंडिविजुअल कमेंट किया था हमारे पास कि इसमें करंट अफेयर पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है। गाइस हम आपको बता दूं कल से हमारी वीडियो करंट अफेयर एंड क्विज के लिए भी आने लगेगी, इसमें आपको जो हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों ही मेंशन रहेगा, तो इसलिए आप लोग कल से अच्छी इसमें आपको लेटेस्ट करंट अफेयर पूछा जाएगा, तो इसलिए जो है आप लोग इसको बने रहिए करंट अफेयर के साथ। आपको जो है मॉर्निंग में वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बट यहाँ पे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स से पूछे जाएंगे, प्रोफेशनल नॉलेज के 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के पूछे जाएंगे, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स पूछे जाएंगे यहाँ पे, यानी कि आपका 300 मार्क्स है जो क्वेश्चन आपको जो है 120 मिलेगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज इसमें कोई इंक्लूडिंग नहीं होगा जो देख पा रहे हैं, लीगल ड्राफ्टिंग एंड इतना 25 है। अब इसके सिलेबस रीजनिंग कौन कौन से सिलेबस हैं, सिलेबस से बहुत सारे कमेंट आए थे हमारे पास कि इसके जो है LIC असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की सिलेबस क्या क्या है। इसके जो सिलेबस है रीजनिंग का सिलेबस आप देख पा रहे हैं, मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके डिटेल्स वगैरह भी दे सकते हैं, वहाँ से PDF वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि आपको बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा, आप लोग टेंशन ना लें। अब मैं जो भी डेटा क्रिएट करता हूँ तो उसका मैं जो है प्रूफ अपनी वेबसाइट पर लिंक के थ्रू दे देता हूँ, वहाँ से जाके आप सिंपली जो है डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं या तो वहाँ से लर्निंग भी अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। LIC ए का जो सिलेबस रीजनिंग का जो होता है सीटिंग अरेंजमेंट
और डायरेक्शन टेस्ट, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड कंक्लूजन, एनालिटिकल रीजनिंग, अब कोडिंग डिकोडिंग, पजल्स इन इक्वलिटीज, सायलोजिज्म होता है जिस्म एंड लॉजिकल रीजनिंग, आप होता है ब्लड रिलेशंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फाबेट एंड नंबर सीरीज होता है, फिर मशीन इनपुट और आउटपुट, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, ये आपका जो होता है ये रीजनिंग के लिए सिलेबस हो गया। अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए कौन कौन से सिलेबस होते हैं। इसका हर टॉपिक में आपको जो है शॉर्ट वीडियोस लेकर, लॉन्ग वीडियोस लेकर, कम्युनिटी टेस्ट लेके, वेबसाइट से लेके सारा जो है इसका मैं पोस्ट करता रहता हूँ। अगर नहीं तो आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक यूट्यूब के वीडियो के अबाउट में जाके वहाँ से टेलीग्राम पर डायरेक्टली जो है जा सकते हैं, या तो टेलीग्राम जो है हमारे चैनल का नाम डाल के टेलीग्राम में सर्च करके और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पे आपको जो है ए टू जेड सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे LICO का सिलेबस एंड फॉर करेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। तो यहाँ पे जो देखने जाएगा सिंप्लीफिकेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, प्रॉब्लम ऑन एजेज, प्रोबेबिलिटी, आप जो सिस्टम एंड पाइप, जो मिंसुरेशन होता है, परसेंटेज होता है, ये आपका जो होता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड सिलेबस एंड डेटा जो है सफिशियंसी, नंबर सीरीज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारा जो है मैंने शॉर्ट वीडियो में इसके सारे फॉर्मूला बता दिए हैं, अगर जो है बताए हैं, अगर नहीं देखे होंगे वीडियो तो वहाँ से देख सकते हैं। नंबर सीरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम होता है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है गाइस, आप लोग देख लीजिएगा इसको। एवरेज जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, रेशियो एंड प्रोग्रेशंस करा, सर्च एंड करा, इंच करा, इंडेक्सेज, डेटा इंटरप्रिटेशंस, HCF एंड LCM जो है, परमूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड बोस्ट एंड स्ट्रीम होता है, एप्रोक्सीमेशन करा, पार्टनरशिप एंड मिक्सर एंड एलिगेशंस, ये सारा जो होता है इसका प्रोसेस है। इसको हम देखेंगे, इसका प्रोसेस आपका जो होता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए। अब हम बात करेंगे इसके करंट अफेयर, जीके करंट अफेयर के बारे में। तो जीके करंट अफेयर तो आपको जो है कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है जीके करंट अफेयर क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया के बारे में इसकी हिस्ट्री पूछ सकता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, बुक्स एंड ऑथर्स, इन्वेस्टर्स एंड आपका डिस्कवरीज, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इन्वायरमेंट टॉपिक्स, स्पोर्ट न्यूज, न्यूज न्यू लेजिस्लेशंस एंड इम्पोर्टेंट डेज, पर्सनस न्यूज, इंडियन इकोनॉमी, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट, अवार्ड्स एंड ऑनर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉमिटी, कमीशंस एंड रिपोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा जो होता है करंट जीके करंट अफेयर से क्वेश्चन जो है आएंगे, इसलिए जो है इसको आप लोग सही से इसको फोकस कर लीजिएगा। इसके जो है सिलेबस है करंट अफेयर जीके के। अब फिर हम बात करेंगे इसके जो इंग्लिश है कौन कौन सिलेबस है। आप लोग तो सिंपली इंग्लिश पढ़े होंगे तो ग्रामर पढ़े होंगे, तो ग्रामर आप अगर अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो आप लोगों को ज़्यादा प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारे जो होते हैं ग्रामर के अकॉर्डिंग से ही आते हैं। तो इसमें आप जो है पार्ट ऑफ स्पीच देख लीजिएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव वॉइस, सिंगुलर प्लूरल, और ट्वेल्थ अगर सही से इंग्लिश ग्रामर पढ़े होंगे तो सही है, तो आप लोगों को ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अभी जो है वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, सब्जेक्ट वर्ब जो है एग्रीमेंट, स्पोर्टिंग एरर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पारा जंपल्स, रीडिंग कंप्रेंशन, वर्ड यूजेज, एरर करेक्शंस, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, आइडिया फ्रेसेस, फीचर क्लोन टेस्ट एंड फ्रेश जो है कनेक्टर, ये सारा जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है। तो कई सारे बंदों का जो कमेंट आया था कि सर LICAAO का जो सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसकी सैलरी क्या है, इसका एग्जाम डेट क्या है, इसका जो है एग्जाम नंबर क्वेश्चन क्या है, एग्जाम मार्क्सिंग क्या है, क्या स्कोरिंग है, बहुत सारे जो क्वेश्चन आए थे इससे रिलेटेड। तो इसलिए जो है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों का जितने भी डाउट हो गए वो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो सिंपली जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अब मैं इसका लिंक जो है PDF फॉर्मेट एंड अदर फॉर्मेट में मैं दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, वहाँ से जाके आप सिंपली जो है इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, या तो वहाँ से जो है लर्निंग भी कर सकते हैं। तो सो गाइस, अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई होगी तो वीडियो को डिसलाइक मारें, अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें,
अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट और नए टिप्स के साथ। थैंक यू सो मच।